मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आज है 10th ऑफ सितंबर एंड आज है गणेश चतुर्थी। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। एंड आज मैं सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई थी एंड इतनी अच्छे से मेरा आज नींद खुलाना कि मैं क्या बोलूं। हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे फैमिलीज में गणपति पूजा होती होगी, इसीलिए सब आज अपना गणपति को घर ला रहे। एंड इसको क्या कहते हैं, ढोल नगारा जो भी, लाइक आई डोंट एग्जैक्टली नो इसे क्या बोलते हैं, बट ड्रम्स के साथ पूरा गणपति पप्पा को स्वागत कर रहे थे सुबह। एंड आई एक्चुअली हैड अ वंडरफुल मॉर्निंग टुडे एंड बहुत ही अच्छा स्टार्ट है दिन का। एंड फिलहाल मैं किचन में हूँ। किचन में एक साइड में पानी फिल्टर हो रहा है, एक साइड में खाना पक रहा है, जय का शीरों का सबका जय गया नहाने। एंड मैं आज अभी किचन में मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बट आज का जो दिन है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे साथ बने रहिए थ्रू आउट द वीडियो बिकॉज टुडे आई एम गोना शेयर लॉट ऑफ थिंग एंड आगे कुछ सरप्राइज आने वाले, तो इसका भी मैं आज थोड़ा सा आपको झलक दिखाऊंगी। सो या बी विथ मी। आज है फ्राइडे, इट्स अ वर्किंग डे बट इट्स गोना बी अ प्रोडक्टिव डे। धूप, शाम को बारिश और झरझर झरझर करके इतना अचानक से बारिश होने लगा, बट मौसम ना ऑसम हो गया। बाहर आप देख सकते हो शाम हो चुका है एंड मैं अभी नहा के आई थोड़ी देर पहले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने पूरा दिन बहुत बहुत काम किया एंड मैं लेट हो गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैंने सिर पे ऑयलिंग किया हुआ था एंड आई वॉन्टेड कि थोड़ा सा टाइम रहे मेरे सिर पे ऑयल। एंड हाँ, तो अभी मैं नहा के आई हूँ एंड यहाँ पे मेरा ऑफिस अभी चल रहा है। वहाँ पे मेरा एडिटिंग जो सुबह पेंडिंग था अभी भी वहीं पे रुका हुआ है। आई डिडंट इन्वेस्ट मच टाइम ऑन एडिटिंग, बट मुझे आज कंप्लीट करना है, दो एडिटिंग मुझे कंप्लीट करना ही है क्योंकि कल से टिक 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 वो सरप्राइज है, वो आगे आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एनीवेज अभी अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक झलक दिखाती हूँ कि मैंने दशहरा का शॉपिंग स्टार्ट कर दिया, लाइक थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है। एंड मेरा बर्थडे भी आ रहा है, सो उसका भी शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ कुछ तो मेरा पार्सल आ गया है, वो मैं सोच रही हूँ कि एक अलग से हॉल वीडियो बनाऊँगी, बट फिलहाल थोड़ा सा स्नीक पिक आपको देती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने दुर्गा पूजा के लिए लिया है ये एक मिडनाइट ब्लू एंड गोल्डन पैटर्न में साड़ी एंड दिस इज़ वेरी प्रीटी, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी मैं बाद में खोल के दिखाऊंगी क्योंकि अभी भी दुर्गा पूजा बहुत लेट है एंड दिस पैकेट आज ही ये डिलीवर हुआ है। और हाँ, मैंने मिंत्रा से ना बहुत सारे लाइक चार पांच ड्रेसेस मैंने ऑर्डर किया था, ऑलरेडी 3 पीस आर डिलीवर्ड, ये चौथा पीस है। तो मैं सोच रही मैं एक साथ ही एक लाइक लुकबुक शेयर करूँगी, तो आप लोग बताना कि अगर आप देखना चाहते हो। एंड ऑल दोज ड्रेसेस आर अंडर 500 या फिर अंडर 600 रुपीज़, कुछ कुछ तो लाइक 400-500 के बीच में है एंड दिस आर लाइक वेरी ऑसम ड्रेस। दो तीन अभी पेंडिंग है, वो तो मेरे बर्थडे से पहले आ जाएगा, तो देखती हूँ वो आ जाएगा एंड अगर फिट होता है तो। आई लव मिंत्रा, एक्चुअली आई टोटली लव मिंत्रा। सो दिस टाइम मेरे बर्थडे में मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग पहनूंगी। जय को मुझे इस रूप में देखना बहुत मन है, बहुत लाइक सालों से उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे ही नेवर सॉ मी वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेस। सो या दिस इज व्हाट, सो मैं सोची मैं आपको दिखाऊँगी या ना दिखाऊँ, थोड़ा सा मैं स्नीक पिक दिखाऊँगी। एक ही ड्रेस आया है, बाकी उसका जो आधा पार्ट है वो तो नहीं आया, तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप गेस करना कि वो क्या है। सो दिस इज द आउटफिट, आप लोग गेस करो कि क्या है। मैं थोड़ा सामने से भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है, आप लोग गेस करना कि एक्चुअली में क्या है। तो मैं फटाफट जाती हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ, देखती हूँ कि साइज में है या नहीं, अगर नहीं है तो अल्टरेशन करवाना पड़ेगा, मतलब आई मीन टू से साइज अल्टरेशन करवाना पड़ेगा। सो चलिए गेस कीजिए। एंड मैंने कभी, आप लोगों ने कभी भी मुझे इस टाइप ऑफ ड्रेस में नहीं देखा फॉर श्योर, लाइक मैंने पहना नहीं बहुत सालों से। लोग कहते हैं ना कि किस्मत बहुत 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 भी ख़राब हो सकता है, तो वैसा ही मेरे साथ हुआ है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं आप लोगों को सरप्राइज करूँगी एंड ऑल, मैं फाइनली रिवील कर ही देती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्योंकि उसका ना एक्सचेंज मुझे नहीं मिल रहा है। लाइक द साइज इज़ अवेलेबल बट द साइज कांट बी डिलीवर टू माई एड्रेस। आवेंगे तो ठीक, तुम आगे वीडियो तो नहीं है वो।
जय वहां खड़े हो कि कुछ 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 तो इशारा कर रहा है, एंड आई एम लाइक एनीवेज मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, ताकि अगर किसी को ऑर्डर करना है तो आइडिया लेके कर सकते हैं. सो आई ऑर्डर्ड दिस प्रिटी स्कर्ट इन बर्गंडी कलर. ये बहुत ही सुंदर स्कर्ट है, मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगी. सो आई ऑर्डर इन द साइज 30 विच आई थॉट वुड फिट मी, बट 28 इज माई परफेक्ट फिट. ये लूज हो रहा है, लाइक यहाँ पीछे ना इसके इलास्टिक भी है, इसका तो कुछ काम ही नहीं हो रहा मेरे लिए. एनीवेज सो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी, अभी भी बहुत टाइम, 1 month का रिटर्न पॉलिसी है. सो आई विल रिटर्न इट एंड आई डोंट नो इफ आई विल फाइंड अनदर स्कर्ट, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे कभी स्कर्ट पहने हुए नहीं देखा है ना. एनीवेज अभी मैं थोड़ा सा जस्ट मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और बाल कॉम्ब कर लिया, एंड हम जाएंगे भी बाहर. सो मैं मिलती हूँ आपको बाहर जाके. सो एज पर द प्लान हम लोग निकल तो गए, एंड यहाँ पर मेरा ऑफिस भी चल रहा है, एंड हमारी गाड़ी में ना एक अनइनवाइटेड गेस्ट है, वो है शिरो. शिरो शिरो हेलो बोलो सबको. सो फाइनली हम पहुंच गए मिस्टी हॉप. मैं आई हूँ एंड अभी भी शिरो के पास है, तो मुझे फटाफट कुछ मिठाई लेना है. आई डोंट नो इफ यू कैन हियर, तो जाती हूँ. यहाँ पे बहुत सारे मिठाई के शॉप हैं, तो फटाफट जाती हूँ, देखिए आती हूँ. सारे जो पैकेट्स है इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, एंड कल इसे निकालूंगी. तो आई गॉट 3 types ऑफ स्वीट्स. मिर्ची हब ना बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, मेरा कोई आइडिया नहीं था, लाइक 8 बजे ही क्लोज हो जाता है. एंड आई वॉज लाइक टेस्टिंग, मैं टेस्ट ही कर रही थी. इसी चक्कर में मेरा, मैं नॉर्मली किसी तरह से रसगुल्ला लेती हूँ जब भी बाहर भेजना होता है या फिर लेके जाना होता है, बट किसी तरह बंद हो गया था. सो रसगुल्ला कहीं नहीं मिल रहा था. आई थिंक ड्यू टू गणेश चतुर्थी सारे जो मिठाई के स्टॉक है ना वो ओवर हो रहा था. तो फाइनली मुझे एक जगह से मिला. आई नेवर हैड देयर मिठाई स्वीट या फिर रसगुल्ला कभी भी इससे पहले, बट मैंने टेस्ट किया एंड उनके पास बस 10 ही रसगुल्ले थे. तो मैंने बोला हाँ हाँ 10 के 10 दे दो, मतलब 11 थे, एक तो मैंने खा के टेस्ट कर लिया. इट वॉज़ गुड. आई होप मैं जिसके लिए लेके जा रही हूँ उसे पसंद आए. एंड मैंने एक नया वो लिया, संदेश, पारिजात संदेश, मुझे अच्छा लगा. बट जय इज़ लाइक संदेश तो हर जगह मिल जाता है. एंड मैंने लिया है बेक्ड रसगुल्ला, सो यही मैंने लिया है. आई होप जिसके लिए लेके जा रही हूँ उसे पसंद आए. लेट्स सी. सो हाँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, सो वो तो मैं आपको आगे बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में पक्का. बाहर कीर्तन हो रहा है और मैं यहाँ कर रही हूँ सफाई. ओके सो कोलकाता आने से पहले तक ना हमें बारिश बहुत ज़्यादा पसंद आता था, बट अभी फ़िलहाल मुझे और जय दोनों को ही नफरत है बारिश से, क्योंकि हमारे घर पे ना फंगस लग जाता है. आई डोंट नो कि ऐसा डैम सिचुएशन क्यों है, सारे फर्नीचर पे ऐसा फंगस लग जाता है, लाइक कुछ छोड़ के. आई डोंट नो, थोड़ा मेहरबान है शायद कुछ फर्नीचर हम पे, इसीलिए उन पे फंगस नहीं लगती. बाकी मोस्टली हर जो फर्नीचर है ना उस पे फंगस लगता है. आई जस्ट शो यू थोड़ा सा झलक, आपको दिख रहा है. सो दिस इज द सिचुएशन एवरी वीक. आई डू अ डीप क्लीनिंग एवरी वीक, एंड मैं इसलिए इसके अंदर कपड़े भी नहीं रखती हूँ. आपको पता है लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, मैंने ज़्यादा कपड़े ज़्यादा क्या नहीं रखती हूँ. मैं फिलहाल मेकअप का सामान, अपना कुछ कुछ सामान जो इजिली मूवेबल है ना वही रख रही हूँ. सो फिलहाल क्योंकि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो कल सैटरडे है एंड कल का क्लीनिंग नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं आज क्लीनिंग कर रही हूँ. पैकिंग से पहले मैं क्लीनिंग कर रही हूँ कि क्लीनिंग हो जाए उसके बाद मैं पैक करूँगी. So yeah, let's clean the
फाइनली हो गया है क्लीन, है ना, हालत देख सकती हूँ मेरा। तो मैं फटाफट जाती हूँ, फ्रेश अप होती हूँ, फिर मैं खाना खाऊँगी, फिर पैकिंग करूँगी। सो आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्या कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी जो कल स्टार्ट होगा। क्योंकि फ़िलहाल मेरे लिए भी कुछ सरप्राइजेस हो रहे हैं, क्योंकि मेरा टिकट कैंसिल हो रहा है, फिर बन रहा है। तो जो भी है, बने रहिए, कल के व्लॉग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।